एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करेंगे, नानी के घर से। तो अभी जा रहे हैं हम लोग मनाली सिसु अटल टनल जा रहे हैं अभी हम घूमने के लिए। पूरा जो हमारा फैमिली है, जो स्पेशली हम यहाँ पे अटल टनल के लिए आए थे और नानी से मिलने के लिए, क्योंकि नानी की तबीयत ख़राब है और हम लोग काफ़ी टाइम से नानी से नहीं मिले थे। तो हमने सोचा नानी से भी मिला जाए और यहाँ से उनको ले कर हम घूमने के लिए जाएँगे अटल टनल। तो अभी सभी आ चुके हैं नीचे और यहाँ पे रूपा भी आ गई है, जीजू भी है, नानू है, दीदी है, सभी। तो ये है हमारा यहाँ पे छोटा सा आशियाना और अभी हम लोग जा रहे हैं मनाली सिसु। तो कैसा लग रहा है इधर आके आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑफकोर्स मेरा नानी आल है और नानी का घर है और इट फील्स लाइक कि जब भी यहाँ पे पहुँचते हैं ना तो अखरोट की खुशबू, मिट्टी की खुशबू और जो सेब के पेड़ लगे हैं उसकी खुशबू, एकदम फ्रेश फ्रेश थिंग्स, एकदम पॉजिटिव वाइब्स। पॉजिटिव वाइब्स, यस। मेरा भी ये मानना है कि इधर आके हमको पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। तो मिलेंगे हम थोड़ी देर में गाड़ी में जाकर, क्योंकि अभी चलेंगे थोड़ा सा, फिर करेंगे आगे का व्लॉग शुरू। तो अब धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, रास्ते में हैं और आगे सभी निकल चुके हैं। तो मैं आपको फिर से यहाँ का व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा। सो गाइस, यहाँ पर लगा है जापानी फल का पेड़, जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था। यह है जापानी फल का पेड़ और यहाँ पे लगे हैं अभी छोटे छोटे से इसके जो है बीज, ये यहाँ पर ये जो है। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं गाड़ी में। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास और गाड़ी को कर दिया है मैंने स्टार्ट, क्योंकि डीजल की गाड़ी है तो इसको थोड़ा टाइम जो है गर्म रखना पड़ता है। पेट्रोल की गाड़ी जैसे सर्दियों में अगर आप एक मिनट ऑन रखेंगे तो चलेगा, लेकिन डीजल की गाड़ी है तो इसको तकरीबन 5 मिनट तो हमें इसको ऑन रखना पड़ेगा। तो मैंने गाड़ी कर दी है स्टार्ट, आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं गाड़ी की, धन्य होगी हमारी। और निकलेंगे राइड पर, पहुँचेंगे मनाली। मनाली में तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने सफर में और यहाँ पर बैठे हैं सभी, पीछे खा रहे हैं कुरकुरे। नानी भी बैठे हैं वहाँ पर, ये नानू जी बैठे हैं यहाँ पर और ये बड़ी दीदी है और काकी है बीच में। नानू भी हाई कर रहे, कर दो हाई, हाई करो भाई, हाई करो। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने सफर में, सुहाना सफर, और मनाली की तरफ जा रहे हैं। सुहाना सफर साथ में नानू और नानी। हाँ हाँ, सही बात है। आएगा जब हम जाएंगे सिसु टनल। तो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा रोड साइड का व्यू। चुके हैं मनाली। मनाली में हम लोग अभी बाजार नहीं गए क्योंकि ऊपर काफ़ी ट्रैफिक लगता है, तो क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते क्योंकि ऊपर हमें टाइम लगेगा जाने के लिए। तो मिलते हैं फिर। Thank you.
और यहाँ पर हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं क्योंकि हमको ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला। और मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी है क्योंकि मुझे यही ठंड चाहिए थी। तो अभी इनको अभी ऊपर जाके थोड़ा मालूम पड़ेगा कि ठंड कैसी है ऊपर। बट मैंने आई हैव कैरी वन जैकेट। हाँ तब तो बहुत अच्छी बात है, तब अच्छी बात है। तो फिर अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे। अब यहाँ का व्यू देखिए यार, कितना मस्त व्यू है, क्योंकि जन्नत इसीलिए कहते हैं हिमाचल प्रदेश को। अभी थोड़ा सा टॉप में जाएंगे तो हमें और अच्छा दिखेगा ऊपर। तो मिलते हैं ऊपर। सो गाइस, वी हैव डन आवर ब्रेकफास्ट। तो हम लोगों ने अभी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और निकलने वाले हैं हम डेस्टिनेशन में। तो मेरी गाड़ी ने भी भोंकू बजा दिया है टिप टिप करके। तो निकलते हैं फटफट से और पहुंचेंगे उधर, क्योंकि उधर टाइमिंग का भी थोड़ा लफड़ा रहता है। तो अपने को जितना जल्दी हम लोग उधर पहुंचेंगे उतना जल्दी हमारे लिए खुद के लिए बेटर है। तो लोकेशन तो आप देख ही सकते हैं कितनी टाइम। दोस्तों हम लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं अटल टनल, और तकरीबन यहां से 1 किलोमीटर के आसपास अटल टनल है। और यहां पर बर्फ़ ही बर्फ है, थोड़ी थोड़ी सी जितनी रह गई है क्योंकि धूप के कारण पिघल चुकी है बर्फ़ यहां से। और हम लोग पहुंच ही गए हैं यहां पर ऑलमोस्ट। सो दोस्तों यहां पर जो कि है सभी खेल रहे हैं बर्फ़ से, और यहाँ की भी लोकेशन बहुत ही प्यारी है क्योंकि हिमाचल है बॉस, लोकेशन तो प्यारी होगी ही होगी। विचार है वहाँ पर उन्होंने पत्थर बर्फ़ फेंका था क्योंकि वहाँ पर उनको पत्थर लग गया, क्या ही बोलूँ मैं आगे आप लोगों को। तो यहाँ का व्यू भी देख सकते हैं आप, कितना प्यारा व्यू है पीछे का। ये मेरे ठीक पीछे जो है ये अटल टनल है सामने। हम लोग 12 बजे अभी टाइम हो रखा है 11:22, तो 12 बजे हम लोग वहाँ जाएंगे अंदर एंट्रेंस करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे, कुछ क्लिप्स वहाँ की मिलेंगे। तो अटल टनल के अंदर से शायद ही ब्लॉगिंग या फिर कुछ कैमरा वगैरह कुछ ऑन करने को मनाही है वैसे, तो फिर भी वी विल ट्राई। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा कैमरे में कुछ ले सकें अंदर की। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो मस्ती कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बाहर भी बर्फ है, देख सकते हैं आप। तो वेलकम बैक दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन कहीं पर थी, और मैं आप सभी को बता दिया था पहले कि हमारी डेस्टिनेशन कौन सी थी। तो हमारा डेस्टिनेशन था अटल टनल, जो कि मेरे ठीक सामने है यहाँ पर पीछे। हमने ये अटल टनल जो है क्रॉस कर लिया है और हम लोग बाहर निकल के आ चुके हैं, अभी सिसु पहुँच चुके हैं। ये मेरी गाड़ी है बिल्कुल सबसे अलग, मैं नीचे ही लेके आ गया हूँ गाड़ी को। और मेरे पीछे जैसा आप लोग देख सकते हैं बर्फ से ढकी पूरी पहाड़ियाँ हैं, और बहुत ही सुंदर बहुत ही शानदार प्लेस है। यहाँ देखिए आप चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, यार क्या बात है, एक नंबर।
और यहाँ का पानी भी बिल्कुल नीला सा है। पहले आप तो लोकेशन देखिए यार, अल्टीमेट, क्या ही बोलूँ अब इसको तो मैं, यही तो जन्नत है बॉस मेरी। तो जैसे ही हम लोगों ने टनल क्रॉस किया तो मेरी आंखें मतलब डायरेक्ट बर्फ में पड़ी और मैं बहुत ही खुश हुआ। मैंने बोला ऐसा भी है। और यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर आगे और जाएंगे जहाँ पे रोहतांग है, उस जगह का नाम रोहतांग है, और वहाँ जाके हम थोड़ा सा और शूट करेंगे। तो हमारी डेस्टिनेशन तो यही थी, लेकिन वहाँ आगे जाएंगे हम लोग। तो ये देखो आप लोग, सभी को बता दिया कि हम लोग अभी पहुंच गए हैं अटल टनल और घूम रहे हैं, थोड़ा बाहर मस्ती कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि किस तरीके की आपको वीडियो लगी। और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करें, तभी मेरे साथ अगली वीडियो मिल पाएंगे आप लोगों को।